शिक्षा एंड दीक्षा क्लासेस बनौली दरभंगा के तत्वाधान में छात्र छात्राओं के लिए परीक्षार्थी एवं परीक्षा प्रबंधक विषयक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। अतिथियों का पाक चादर पुस्तक एवं पत्रिका प्रदान कर स्वागत किया गया। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हम सब सीखते रहते हैं। इस दौरान अनेक तरह की परीक्षाएं से भी हमें गुजरना पड़ता है। परीक्षा को अपनी दिनचर्या में शामिल कर परीक्षार्थी उच्चतम अंक पा सकते हैं। परीक्षा में अच्छा अंक लाना भी एक कला है, जिसके लिए सतत अध्ययन व अभ्यास, समय प्रबंधन, समुचित मार्गदर्शन तथा आत्मविश्वास से भयमुक्त होकर छात्र अपनी परीक्षा में शामिल हों। उक्त बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के संस्कृत प्राध्यापक डॉक्टर आर एन चौरसिया ने दरभंगा जिला के बनौली पंचायत में संचालित शिक्षा एंड दीक्षा क्लासेस के तत्वाधान में बिहार बोर्ड की फरवरी माह में आयोजित होने वाली 10वीं व 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए परीक्षार्थी एवं परीक्षा प्रबंधक विषय विचार गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में कही। वो आपके पास पहुंचेंगे और आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हम लोग उसका यथोचित उत्तर देंगे। सबसे पहले तो परीक्षार्थी और परीक्षा प्रबंध हम लोग समझना चाहेंगे क्या है। तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में परीक्षा ना होती हो। हम लोग भी परीक्षा के दौर से गुजरते हैं। आगे का प्रमोशन लेना है, परीक्षा देना है, चाहे मौखिक दें या लिखित में दें। किसी कार्यक्रम का आयोजन आज जो किए हैं विजय भगत जी, यह भी उनकी परीक्षा ही है, एक तरह से परीक्षा का एक स्वरूप है। तो गुरु के वक्ता ने आपसे कहा कि आप घबराए नहीं, परीक्षा से डरे ना, बल्कि मैं कहूँगा आपने जो साल भर मेहनत किया है इस परीक्षा के माध्यम से उसका फल आपको मिलेगा, इसलिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है। तो परीक्षार्थी हर व्यक्ति होता है किसी न किसी रूप में, और जीवन परीक्षा का ही नाम है। जीवन में परीक्षाएं चलती रहती हैं। ईश्वर कभी परीक्षा देते हैं, दुख दर्द देते हैं, कभी हमारा संबंधी पड़ोसी मित्र हमें परीक्षा लेता है, तो कभी सरकार बोर्ड परीक्षा लेती है हमारी। परीक्षाओं का दौर हमारे पूरे जीवन काल तक चलता है, सीखने का दौर पूरे जीवन काल तक चलता है। कोई ऐसा व्यक्ति ना हो है जो जन्म से मृत्यु तक ना कुछ न कुछ ना सीखता हो, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि सब कुछ सीख लिया हो। इसलिए आप अपने आप को कम ना देंगे। तो वक्ताओं ने कहा आत्मविश्वास बनिए, आत्मबल रखिए और परीक्षा दीजिए। परीक्षा देते देते आप अभ्यस्त हो जाएंगे और परीक्षा का दर्द खत्म हो जाएगा। और परीक्षा का प्रबंधन आज सबसे महत्वपूर्ण है। रंजीत जी ने कहा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों का संगम जरूरी है, हार्ड वर्क भी हो और स्मार्ट वर्क हो। अभी परीक्षा का समय है, आप स्मार्ट वर्क की जरूरत है। स्मार्ट वर्क के लिए आपको कुछ वक्ताओं ने बताया, सूत्रों को याद करना है, आंकड़ी प्रश्न को बनाना है, सवेर उठना है। एक तीन बार तरीके से कुछ विषय में ज्यादा मेहनत लगते हैं, ये सत्य है। मैथ पढ़ने में बहुत वक्त ज्यादा लगता है, अभ्यास करना पड़ता है, सूत्र याद करना है। और बिहार के बच्चों का मैथ बहुत अच्छा होता है, जीके भी बहुत अच्छा होता है। आप जब आगे की कंपटीशन में जाएंगे, दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद, तो महसूस करेंगे कि हम लोग का जीके मैथ बिहारियों का बहुत अच्छा होता है, रीजनिंग अच्छा होता है, अंग्रेजी अपेक्षाकृत कमजोर होती है। तो ऐसा ना हो, मैं एक प्रबंधक के रूप में कह सकता हूँ, डॉक्टर अंजू कुमारी पत्नी है मेरी, शिक्षिका है, स्कूल में प्रबंध करती है और घर पर भी बच्चों का प्रबंधन मुझसे ज्यादा ये करती है, और मेरे बच्चे सब सफल
एमबीबीएस फोर्थ ईयर मेरा बड़ा लड़का है आईटीएमएस पटना में। और आप यकीन करें जाने 12 जिस साल किया उसी साल मेडिकल भी कम्प्लीट किया और इंडिया 32 और रैंक आया था, खराब ऊपर को छपा था सैन्यू छपे। दूसरी बच्ची है आपके तरह जो बहुत अच्छे से पढ़ी है और अभी पीएचयू से स्नातक कर रही है, जीवन में 90 से कम अंक नहीं आए। अभी तीसरा बच्चा है यहाँ खड़ा प्रणव नारायण जो फोटो ले रहा है, 98.5% नंबर आया अभी हाल में, अभी रिजल्ट हुआ है। आधे विषयों में 100 पे 100 अंक आते हैं, मैथ है 100 में 100, साइंस 100 में 100, इस तरह का। ये बेहतर प्रबंधन का एक नमूना है। मैं 1985 में क्यों कर बतियाना अपने बच्चों को भी लाना, देखो करना नहीं बहाना, मुझे सीखना तुमसे गाना। सुबह सुबह जब भी तुम आना अच्छी खबरें लेकर आना, लेकिन है तुमको समझाना कठिन दौर है दूर न जाना, गोरैया मेरे घर आना। परीक्षा एवं एक शिक्षक का क्या महत्व है मैं उसे बताने जा रहा हूँ। संस्कृत में एक श्लोक है, गुरु ने ब्रह्मा, गुरु ने विष्णु, गुरु ने देवो महेश्वराय, गुरु ने साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम यहाँ एक शिक्षक के बारे में बताने जा रहे हैं कि एक शिक्षक होता क्या है। सबसे पहले हमें अपने अपना ज्ञान, हमें अपनी माँ, फिर उसके बाद पिताजी, फिर समाज, उसके बाद शिक्षक से मिले। एक शिक्षक वे होते हैं, एक शिक्षक वे होते हैं जो बच्चे को एक सही मार्ग, सत्य मार्ग क्या है उस पर चलना सिखाते हैं। यदि हमारे सामने में एक भगवान की प्रतिमा और एक शिक्षक है तो हमें उसमें से सबसे पहले शिक्षक को प्रणाम। क्यों? क्योंकि हमें शिक्षक सिखाते हैं कि वो भगवान है और शिक्षक है। तो हमें जिसने सिखाया, कुछ ही दिनों में मैट्रिकुलेशन की एग्जामिनेशन है, इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन है, डरिए ना। एग्जामिनेशन डर नाम का चीज अपने अंदर नहीं लाना है। डर क्या है? डर क्या है? डर क्या है ना? आपकी जीत निश्चित है, इस बात को हमेशा अपने माइंड में सेट कर लें। अगर ठीक बच जो भी चीज आप लिख रहे हैं पढ़ रहे हो उसको ठीक करिए, सोने के टाइम में ठीक करिए, उठते हैं उस समय ठीक करिए, चलते चलते ठीक करिए। एक चीज तो दिमाग में बैठा लीजिए कि आपके थिंकिंग पर किसी और का लगाव नहीं है, और सिर्फ आपने अपने आप को रोके रखा है। यदि आपको अपने जीवन में कामयाब होना है तो अपने उन सभी पाबंदियों को तोड़ना होगा, उन सभी कम्फर्ट जोन से बाहर आना होगा। अब आप कहेंगे मेरा कंफर्ट जोन क्या है? तो आपका कंफर्ट जोन है आपका घर, आपका माहौल, आपका समाज, आपका मित्र। ये वो माहौल है जहां हम चाहकर भी आगे बढ़ना चाहें तो हमें कहीं ना कहीं रुकावटें दिखती हैं। तो इन चीजों को फेस करने के लिए आपको अपने आप में तैयार रहना होगा। इसलिए किसी ने कहा है सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो या कमी रह गई और उसे सुधार करो। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, मायूस मत होना है मेरे दोस्त अपनी जिंदगी से, तुम्हारा नाम कभी भी बन सकता है। अगर हो दिल में आग और जिगर में हो हौसला तो अखबार बेचने वाला भी नाम बन सकता है। खड़ाई के समय में आकर के इस समस्याएं को, कठिनाई को दूर करने के लिए इतने ठंड के मौसम में इतने दूर से आए हैं आदरणीय डॉक्टर आर एन जोशिया सर एवं डॉक्टर अंजू कुमारी मैडम, हमारे गुरुजन श्री सुनील कुमार भगत,
डॉक्टर सतीश चंद्र भगत सांसद एवं समय समय पर बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र से तो जुड़े हुए नहीं है लेकिन उससे परे भी नहीं है संजय भगत, श्री संजय भगत जी को मैं सहृदय स्वागत करता हूं और हमारे प्रिय बच्चे ये समय विशेष रूप से आप लोगों के लिए ये समय है। आज का जो विषय है शिक्षा की एवं शिक्षा प्रबंधन पर विचार गोष्ठी सर हमारे इस समाज में आजकल का जो नवयुवक है युवतियां हैं शिक्षार्थी हैं वो कई वर्षों से आप यहां आकर के हमारे बच्चे को मार्गदर्शन देते हैं इसलिए आपका हमेशा ये हमारा बच्चा लड़ाई रहता है ये समाज लड़ाई रहता है। मैं सहृदय आपके लिए सामान्य परीक्षा ही है बस आपने जो पढ़ा उसको धैर्य पूर्वक पढ़े और साथ ही साथ उस उन प्रश्नों को धैर्य पूर्वक जवाब दो अब तो और ज्यादा अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकते ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जितना ज्यादा ध्यान देंगे उतना और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सही सही जब जवाब देते हैं तो आपका 50% मार्क्स से क्यों मिला 50% अंक निश्चित रूप से आ जाएंगे। और मैं तो विज्ञान शिक्षिका हूँ विज्ञान में अंक लाना और आसान हम किसी भी चित्र को देखते हैं तो उसे याद रखना हमारे लिए बहुत आसान होता है तो विज्ञान विषय में भूगोल में और गणित में इन सब चीजों में आप लोग चित्र को और कदम कदम पर जो हर एक चित्र को ध्यान में रखिएगा तो हर एक प्रश्न को हल करना आसान हो जाएगा। जिस विज्ञान में आप चित्र को सिर्फ ध्यान में करिए उसके बारे में आसानी से लिख सकते हैं इतिहास में पॉइंट वाइज आप याद रख सकते हैं एक एक पॉइंट बना करके लिखे और उसको ध्यान में रखिए आप पूरा अच्छे से लिख सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ आप परीक्षा नहीं दे रहे होते हैं अपने धैर्य को दिखा रहे होते हैं कि हम कितने धैर्यपूर्वक किसी भी प्रश्न को जवाब दे रहे हैं हर प्रश्न का जवाब आपके अंदर ही है क्योंकि आपने जो पढ़ा है हर